एग्जीबिशन से तो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है टी टेप के प्लेटफॉर्म पर कि कम से कम अगर ऑर्डर तो मिलने ही मिलने हैं इंशाल्लाह, अगर नहीं भी मिलते मैं इन केस कह रहा हूँ तो ये कम से कम ये जो मोर देन 700 डेलीगेट्स आए अब्रॉड से, कम से कम वहाँ जाके हमारा इमेज तो बढ़ाएंगे। जो इंटरनेशनल मीडिया पर हमारा जो इतना गंदा इमेज दे रहे हैं कि जी कराची में ये है, कम से कम ये इंकरेजमेंट मिलेगी। हम भी जाते हैं बाहर तो देखते हैं कि नाइजीरिया हमें भी कहा जाता है कि जी वहाँ नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं तो देखते हैं ना तो 500 आदमियों को बताते हैं कि जी यहाँ कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये इंकरेजमेंट है और इस तरह के इवन एक नहीं होने चाहिए, जैसे चाइना में है बहुत सारे होते हैं, तो एवरी 3 मंथ्स होने चाहिए इस टाइप के इवन। हमारी तो काफ़ी 7-8 कंट्रीज से MOU साइन हुए हैं, डेली 15 कंट्रीज से बातचीत चली है। कंट्रीज़ आपका सऊदी अरेबिया, स्पेन, जर्मनी, अमेरिका के 2 जो आए हुए थे डेलीगेट्स कैलिफोर्निया से और ह्यूस्टन से, उनसे हुई है। आपका कोरिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश, इंडिया और बहुत सारे थे। हम तो हर सपोर्ट के लिए रेडी हैं जी, आएँ यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। जैसे अभी सिंध बोर्ड ने जापान के साथ किया है, 250 एकड़ इनको दिया है कि जापानीज़ कंपनी आए और यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है सिंध बोर्ड की, चेयरमैन है ज़ुबैर मोतीवाला की तरफ से। हम इसके बारे में ये कर रहे हैं कि पवेलियन नहीं होता था, अब इंटरनेशनल पवेलियन एक सेपरेट बनाएंगे और B2B मीटिंग के लिए और B2C मीटिंग उसके लिए अलग एक कॉन्फ्रेंस हॉल देंगे कि वहाँ पर जो पार्टिसिपेट्स हैं जो अब्रॉड से आएंगे उसके लिए भी मीटिंग का अरेंजमेंट रखें।